साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी एन फिश फार्मिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लैंकटन प्लवक के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि पानी का रंग हल्का हरा हो तो यह इस बात का संकेत है कि पर्याप्त मात्रा में प्लवक मौजूद हैं। प्लवक केवल मछलियों के लिए आहार का काम ही नहीं करते, बल्कि यह मत्स्य तालाबों में ऑक्सीजन की सही मात्रा भी बनाए रखते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि तालाब में प्लवक पैदा होते रहें। इसके निरंतर उत्पादन के लिए कच्चा गोबर एवं चूना सहायक होता है। यदि पानी की गुणवत्ता का ध्यान न रखा जाए तो मछलियों में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मत्स्य पालन हेतु पानी के जरूरी तत्व या घटक यदि असंतुलित हो जाए तो मछलियों की बढ़वार सुचारू रूप से नहीं होती और मछलियों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई प्रकार के परजीवी, फफूंद एवं जीवाणु तालाब में पैदा होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मछलियां अपने शरीर को किसी ठोस सतह पर रगड़ती हैं या बेचैन होकर पानी की सतह पर उछलती हैं तो ऐसी स्थिति में मछलियों में परजीवी का संक्रमण हो सकता है। इन सब की रोकथाम के लिए पानी के विभिन्न घटकों की नियमित जांच करना आवश्यक है। इसके अलावा मत्स्य तालाबों में लाल दवा जो कि पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 है का निरंतर छिड़काव किया जाना चाहिए। इससे रोग पैदा करने वाले जीवाणु एवं परजीवी को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलती है। इसके अलावा इससे पानी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। मत्स्य पालन हेतु पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पानी के महत्वपूर्ण घटक जैसे ऑक्सीजन, pH, अमोनिया इत्यादि को संतुलित रखना अति आवश्यक है एवं इसकी जांच करते रहना भी आवश्यक है। इसके अलावा पानी के दूसरे घटक जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि भी अहम हैं। इन सारे तत्वों की जांच के लिए अपने नजदीक के मत्स्य विभाग से संपर्क किया जा सकता है। यदि किसान भाई मत्स्य पालन में पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखें तो मछलियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं, जिसमें मछलियों की बढ़वार भी अधिक होती है और मत्स्य उत्पादन भी बढ़ता है। इससे आमदनी भी अच्छी होती है। मत्स्य पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर किसान भाई इसे जीविकोपार्जन के लिए एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के साथ मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। मत्स्य पालन कम लागत पर अच्छी आमदनी का उत्तम साधन भी है। जहां जहां पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, उन स्थानों में सफलतापूर्वक मछली पालन किया जा सकता है। मत्स्य पालन की सफलता विभिन्न घटकों पर निर्भर है, जिसमें पानी की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। पानी मछलियों का वातावरण है और एक स्वस्थ वातावरण में ही सफलतापूर्वक मत्स्य पालन किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि मत्स्य पालन हेतु तालाबों में जो पानी संचय किया जा रहा हो वह किसी प्रदूषित स्रोत से न हो। पानी का रंग साफ होना चाहिए एवं इसमें किसी प्रकार की दूषित गंध नहीं होनी चाहिए। पानी के मुख्य घटक जिस तरह जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हवा में सांस लेते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव पानी में सांस लेते हैं, अर्थात पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अतः पानी में उचित मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन मछलियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पानी से भरे तालाब में सही मात्रा में ऑक्सीजन का होना मछलियों की बढ़वार के लिए अति आवश्यक है। मत्स्य पालन के लिए पानी में ऑक्सीजन की सही मात्रा 6 से 8 PPM अर्थात 6 से 8 mg प्रति लीटर होना चाहिए। अगर मछलियां बार बार पानी की सतह पर आकर अपना मुंह बाहर की ओर निकालती हैं तो
यह इस बात का संकेत है कि पानी में समुचित ऑक्सीजन की कमी है। इसके निष्पादन के लिए तुरंत पानी को बदलना चाहिए। एक नाली के तालाब में मौजूद कुल पानी का कम से कम 20% पानी बदलना आवश्यक है। यदि प्रत्येक सप्ताह में 20-30% पानी नियमित रूप से बदल दिया जाए तो तालाब में ऑक्सीजन की कमी की संभावना कम हो जाती है। अचानक मछलियों का बड़ी संख्या में मरना पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है। इसके अलावा तालाब के आकार के अनुसार सही मात्रा में मत्स्य बीज का संचय करना भी आवश्यक है। सही मात्रा में मत्स्य बीज का संचय करने से पानी में ऑक्सीजन की सही मात्रा बनी रहती है एवं मछलियों की विकास दर भी अच्छी होती है। 100 वर्ग मील शून्य के तालाब 250 से 300 मछली बच्चे ही संचय करने चाहिए। ऑक्सीजन के अतिरिक्त पानी का पीएच भी मत्स्य पालन के लिए एक अत्यंत आवश्यक घटक है। पीएच पानी के अम्लीयता एवं क्षारीयता का सूचक है। मत्स्य पालन के लिए पानी का पीएच 6.5 से 9 के बीच रहना आवश्यक है। यदि पानी का पीएच अपने सामान्य स्तर से कम या अधिक हो तो यह मछलियों के लिए हानिकारक है। यदि मछलियों के गलफड़ों में लसलसा श्लेष्म की मात्रा अत्यधिक हो या मछलियों के तैरने की सामान्य पद्धति में कोई अनियमित परिवर्तन दिखाई दे तो इसका एक कारण पानी के पीएच में असामान्य परिवर्तन हो सकता है। पानी के पीएच के सुधार के लिए आमतौर से चुना तथा कच्चा ताजा गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पानी कम पीएच होने के कारण अम्लीय रहता है तो चूना डालकर इसे सुधारा जा सकता है। एक नाली के मत्स्य तालाब में आवश्यकता अनुसार 4-6 किलोग्राम बुझा हुआ चूना पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। यदि पानी अधिक पीएच होने के कारण क्षारीय अवस्था में है तो एक नाली के तालाब में 40-60 किलोग्राम कच्चा ताजा गोबर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य तालाब में अमोनिया को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। कभी कभी तालाब में अत्यधिक कचरा अनखाया आहार तथा मछलियों के विष्ठा के सड़ने के कारण अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मछलियां बेचैन होकर असामान्य तरीके से तैरती नजर आती हैं। ऐसी स्थिति में तालाब में चूने का प्रयोग करना चाहिए तथा साथ ही अधिक से अधिक ताजा पानी तालाब में डालना चाहिए। जलीय गुणों की परख मछलियों का व्यवहार देखकर आसानी से की जा सकती है। यदि मछलियां तालाब से उछाल मारती नजर आती हैं, तो यह अधिक पीएच का सूचक है। मछलियों का अनायास हाफना घुलित ऑक्सीजन की कमी एवं अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। मछलियों का एक ही स्थान पर या तालाब के कोने में इकट्ठा होना या फिर एक दूसरे के पीछे पंक्तिबद्ध हो कर तालाब के किनारे दौड़ते दिखाई देना जलीय गुणों की अनियमितता को दर्शाता है। कभी कभी मछलियां तेजी से भागती हुई या तेजी से नीचे ऊपर करती हुई दिखती हैं, जो पानी में किसी विषैले प्रभाव के कारण होता है। यह विषैला प्रभाव तालाब के पानी में किसी प्रकार से कृषि में प्रयोग होने वाली कीटनाशक दवाओं के पहुंचने के कारण हो सकता है। इस स्थिति के बचाव के लिए आवश्यक है कि मछली के तालाब के पानी में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में प्रयोग होने वाले यंत्रों को न धोया जाए तथा खेतों से आने वाले पानी को तालाब में सीधा न डाला जाए। यदि ऐसी स्थिति में मछलियां बेचैन नजर आए तो पानी को बदलने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए तथा सूखी मिट्टी को तालाब में फेंकना चाहिए। यदि पानी के विभिन्न घटक संतुलित मात्रा में मौजूद हों तो पानी में प्लवक, जो कि मछलियों का प्राकृतिक आहार है, इसका उत्पादन भी सुचारू रूप से होता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।